देवास जिले के हाटपिपलिया में भाजपा ने जनसभा का आयोजन किया। बरोठा गांव में आयोजित इस सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 1,041 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मनोज चौधरी को जिताने का आग्रह किया। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी जमकर हमला बोला और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 15 महीने ही कि कांग्रेस सरकार ने ना ही किसानों का कर्ज माफ किया ना ही कोई विकास कार्य किया। सर बताए देवास में आए हैं, क्या क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर क्या कहना आपका? हम दोनों की जो विकास और प्रगति की नीति है, जनता के सुख समृद्धि की एक संकल्प है, उसके आधार पर मनोज चौधरी को पूर्ण रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आने समय में नहीं, शिवराज सिंह जी ने 5 महीने में करके दिखाया है, जो कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार ने 10% भी नहीं किया, वो विकास प्रगति की एक नई रूपरेखा बनाकर हम जमीन पर उतरे हैं।